श्री राधे राधे जी। वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की अपने सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। और ये बीच में हल्की हल्की आवाज आ रही है, ये गूगल मैप बोल रहा है। जी हाँ, आज किसी काम से दिल्ली निकलना पड़ा 2-3 दिन के लिए, लेकिन रस्ते में हमारी एक सखी है और उनकी एक अमानत है। उन्होंने कहा था सखा जी दिल्ली जाओ तो मेरे को मेरी अमानत पहुँचा के जाना। उन्होंने मेरे से अपने लिए कंठी माला मंगवाई है, तो उनकी कल कंठी माला मैंने वृंदावन से परिक्रमा मार्ग से ले ली थी, जैसी उन्होंने बताई थी उससे भी बढ़िया। मैं बोल रहा 100 मीटर बार वाला लेफ्ट आ रहा है, तो चलिए वो कहाँ पे है ये होटल पे मैं लेके जाऊँगा। और ये इनकी शिष्य ये बताएंगे, खुद बताएंगे। अभी मैं मस्ती कर रहा था कि मैं नहीं आ रहा, अरे सखा जी मैंने दाल चावल बनाए हैं और बहुत अच्छे, देखो भाव है उनके, दाल चावल बना के रखे थे और बेसन घोल के रखा था आपके लिए, पकौड़े खिलाऊंगी चाय पिलाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा। मैं मस्ती कर रहा था तो बहुत प्यार से कह रही थी सखा जी, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, कहती चलो कोई बात नहीं, देखो होटल का मैप आ गया और अब मैं होटल के लिए एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए मैं आगे चल के अपनी मित्र से भी मिलवाऊंगा आपको और देखते हैं आज वो क्या खिलाती है। वैसे दाल चावल मेरे से बोल रही थी, मैंने कहा ज़्यादा, कहती नहीं आप जो आओगे खिलाऊंगी, मैंने कहा कुछ भी नहीं, जो घर में रोटी बनती है वही बना लियो। वैसे एक तरह से मेरा प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल सा हो गया था, कारण क्या थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन जिस काम से जा रहा हूँ वहाँ मेरी बैंक वालों से बात हो गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप 1 घंटा भी लेट आओगे तो काम हो जाएगा। तो मित्रों बातों बातों में मैं एक मोड़ आगे आ गया हूँ, मेरे को नीचे वाले मोड़ से अंदर लेना था होटल के लिए, तो होटल सिटी लिखी हुई है, तो चलिए आगे से टर्न लेके आता हूँ। मेरे को अंदर ये से जाना था लेकिन मैं आगे निकल गया हूँ, ये वाला रोड है तो होटल सिटी में आना था मुझे और मैं आगे निकल गया हूँ बातों बातों में। तो दोस्तों गाड़ी पार्क कर दी और अब पहुँच गए और बातों बातों में आगे निकल गए थे, और ये बिटिया रानी खड़ी है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। अय हो, क्या नाम है बेटा आपका? हैं कशी, आओ। तो कौन सी क्लास में हो? तो आप पूजा की लड़की हैं, आप बड़ी हैं छोटी हैं? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, अरे भैया सबसे बड़ी। कौन सा घर है ये? चलो ठीक है, शॉप है, तो चलिए आज चलते हैं घर के अंदर, और बहुत ही शानदार बहुत शांत है, चलिए आज घर के अंदर चलते हैं। पहली बार मुलाकात होगी आज हमारी। जय हो। ये देखो राधे राधे, कैसी हो भाई? ये गलत बात है, गूगल मैप पे गलत एड्रेस देती, बातों बताते हुए मैं आगे निकल गया। तो दोस्तों ये हमारी पूजा सखी। हाँ जी, पहले लाइट खोलनी आती नहीं, अंधेरा कर रखा है। तो हम पिछले 2 साल से हैं, 2 साल से हम मित्र हैं। आपके गुरुदेव कौन है? देव की नंदन जी की है, और इनकी अमानत देने मुझे आना पड़ा वरना मैं आता नहीं। इन्होंने कहा सखा जी अगर दिल्ली जा रहे हो जब भी निकलो आपकी कंठी माला शायद खराब हो गई, राइट? इनकी कंठी माला खराब हो गई, तो भैया सबसे पहले इनकी कंठी माला इनके हैंड ओवर कर दो सबके सामने। ठीक है देखो, पहले आप अपनी कंठी माला पकड़ो ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी के लोग देखो पहले कैसी लगी, अच्छी है? लो जी जय हो, इनके ठाकुर जी के समक्ष इनकी कंठी माला मैंने रख दी है। ठीक है जी, बहुत सुंदर है जी, बहुत अच्छा लगा आपका। तो ये बाल गोपाल है, क्या नाम है बेटा आपका? हर्षित। ये तो सब में छोटा है, और हमारी गुड़िया से मुलाकात हो गई, और बहुत ही शानदार घर है। पिलाओगी कि नहीं पिलाओगी? पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी इंसान है, 2 साल से जुड़ी है, बड़े भाव से जुड़ी हुई है, राइट? और चलो बढ़िया, खुले में किचन है, पूरा बिखरा हुआ है। सुबह से टाइम नहीं मिला ना। आज मैंने सबको, मैंने उसकी सुबह क्लास लगा दी मैं नहीं आ रहा हूँ, तो कहती खाना रखा रह जाएगा मैं सारा खा लूंगी और मोटी हो जाऊंगी। मैंने कहा और मोटी मत हो, मैं आ रहा हूँ, कमजोर हो रहा हूँ मैं। पानी पानी पिलाइए आप। तो क्या क्या तैयारी है? अरे पकौड़े भी हैं, बेसन घोल रखा है। भाई एक ही चीज खिला ले मुझे, दिल्ली निकलना है, या तो दाल चावल या पकौड़े। नहीं पहले तो पानी पिला दे भाई, तू पहले पानी पिला दे, बहुत बढ़िया लगा। लिया जी लाओ पानी, ले
बिस्किट भी खाओ, नमकीन भी खाओ। ये लो। और दोस्तों, 2 साल से हम साथ हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ी हुई हैं आप हमसे, डाउन टू अर्थ इंसान है। सबसे बड़ी खासियत है, जितना ही बोलती है ना उससे कहीं ज्यादा ही हंसती है। इसकी क्या है सबसे बड़ी खासियत, जब भी मुझे फोन करेगी पहले हंसेगी फिर बात करेगी। तो चले फिर बैठे चाय पीते हैं, ठीक है? चलो मित्रों जुड़े रहना। ये देखो मुझे बिठा के देख क्या क्या लिया। अरे भैया मैं कहाँ खाऊंगा इतना, अभी कम है। अरे भैया मुझे बख्शे, मुझे बख्शे, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो एक काम कर, देखो भैया ये होती है देखो दाल चावल पकोड़े और ये क्या सॉस। तो एक काम कर, देख मेरी बात मान, मैं तेरे पास पूरा रख रहा हूँ। तुम्हें पहले पकोड़े दे रहे, चावल मान मेरी बात, मान मेरी बात प्लीज। तू पहले पकोड़े दे रहे, मगर हाँ फिर होगा तो मैं खा लूंगा, ठीक है ना? मतलब जब शाही मिल रहा है। हाँ नहीं शाही मिल रहा नहीं, बढ़िया है। तो भैया खाते हैं, ये हमारी सखी ने बड़े भाव से बुलाया और ठाकुर जी ने हमें सेवा दी थी इनके लिए, और ये पकोड़े बढ़िया। आ जाओ यहीं पे आ जाओ। क्या कह रही है? हाँ तो क्या हो गया, खाऊंगे नहीं तो नहीं खाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। नहीं मैं बिल्कुल, फिर कुछ भी खा के नहीं जाऊंगा मैं, मुझे तेरे जैसा होके नहीं आना गाड़ी भी चलानी दिल्ली तक। पूछे सच में और मत बनाना भाई, बच्चों को दे रो। हाँ तो दोस्तों दाल चावल खाने के बाद, इस प्यारे चूहे के साथ खेलने के बाद बहुत लड़ता है। इसने मेरे से कहती अपने जैसे बना के भेजूंगी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। पकौड़े खिलाए, बहुत अच्छे बनाए सच में। पूजा ने बहुत दिल से स्वागत किया और मैंने बोल दिया अगर आइंदा ये चीज करेगी तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है? हाँ कुछ नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पानी पिला दियो, चाय पिला दियो। चाय चल, चाय छोड़ दी ना इस बार, चाय इसके पर दूर रह गई, अगली बार के लिए चाय, ठीक है? बहुत अच्छा लगा, आपके लिए चाय। नहीं इसे आएगी, अगली बार आएगी जब भी, बता दिया। और ठाकुर सेम पहन रखा है। अरे चलो ठाकुर जी ने हमें अच्छा मिलाया, अच्छे साथ है। और पूजा कैसा लगा मिल के? बहुत अच्छा। सच में अच्छा लगा ईमानदार से? मुझे भी लगा। और वाकई 2 साल की मित्रता होगी हमारी, 2 साल की मित्रता में आज पहली बार हम मिले, और परमात्मा खुशियां दे इसको। और कुछ कमिटमेंट है जो ठाकुर जी ने करवाए हैं, ठाकुर जी से मैंने कहा है वक्त का इंतजार कर, वृंदावन में जो मेरे से बनेगा करूँगा, राइट? तो इसके लिए मैंने वक्त का इंतजार करने को बोला, ठीक है? तो चलो जी चूहा भी आ गया इनका, और चूहे के साथ भी फोटो ले लेते हो गई है, और हम चलते हैं, ठीक है? सबको हम दोनों की तरफ से राधे राधे।